برضه كانوا مو انتوا سيدي ياكلوا ماشي ما بيهمه شلا قد اللي اسمي كله شاربين تيلا شاربين تيلا هذا ये बनाया पन्नू बीफ पुलाव मलांगे जान वाला चले वसीम उठाए पतीला माशाल्लाह ये वसीम उठा सकते चलो जी लेके चल चलो हाँ अमन कहना मैं उड़िया आ रहा बड़े मजे से लग रहे हैं जी 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 आ गए हम उसने कहा मैं मुझे बर्तन लेने गई थी उसने कहा पता नहीं माँ कहाँ चलेगी सुन रहे कर शोरबा नहीं रखा चावल हमें जिला शहजादे आपको फोटो तोड़ के देते गरम है अभी गरम ये आज मेरे भी चावल आ गए खा रहे वसीम ने सब डाल दिए सब खा हाँ आ गए सारे बैठ गए फुल अंधेरा है कुछ नहीं नजर आ रहा पूरा खाना शाना खा के मेरी शहजादी सो गई गर्मी लग रही थी फिर उसको छापी चंगेरसी हवा कर रही हम लोग अभी जी काफी देर होगी घर जाने लगे अब फिर कैसे ले जाने बच्चों का दूध बॉइल करना है शहजादा मेरा सो गया चले जी जनाब चले बस लाइट नहीं है तो वीडियो बहुत अभी जा रहे हैं जो मोबाइल शॉप है मैं मोबाइल रिपेयर करवाना थोड़ा सा फिर दूध लेके घर जाएंगे ना क्या कर ये तब से ना हम तीसरी शॉप पे आ गए हाँ जी तो वो कह रहे हैं लड़का नहीं कोई कह रहा दुकान बंद है कोई ये है कोई वो है चले जी फिर चलते हैं कल उधर से लगवा लूंगा जहाँ से लगवाई थी चलो घर चले यहाँ से भी अभी मेरी उठ गई थी सीम उधर गया दूध लेने लेके आता फिर चलते हैं जायफा ना करो चोट लग जाएगी इधर आ दो क्या हुआ कहता इतनी लंबी गाड़ी है कौन सी है मुझे तो गाड़ियों का नाम भी नहीं आता क्या करे वाह क्या करो तेरा पापा का पैसे दे हमारा चैनल चाहिए पापा की जॉब अच्छी लग जाए तो आप लोग कभी गाड़ी ले दे दवा तो करते नहीं टूटी मोटरसाइकिल बह के खुश हो जाने दवा कर दे नहीं आगे क्यों दिखाओ सेम दूध लेने गया ऐसे लग रहा है जैसे पीछे ना सूरज निकला हुआ दूध लेके आ जाए फिर हम लोग चलते हैं बच्चे ऐसे स्लाइड ले रहे हैं वहां पे रमना भी क्या करे नहीं मामा में मजा आ रहा है इससे ज्यादा क्या हुआ डबल करना डबल करना शापरी यहाँ से निकल गया चलो बैठो चले जल्दी बैठो है ना अंचल आ जाओ आप भी बैठो घर में सारा मसाला पड़ा हुआ था क्या 2 रुपए नहीं 100 रुपए किलो बाकी बस टमाटर तो मैंने जिम से कहा ले लें फिर बार बार शॉप पे जाना कहता 2 रुपए लिखे 100 रुपए किलो दादा 2 रुपए किलो टमाटर 140 लिखे प्याज 140 है टमाटर 100 रुपए किलो है 400 रुपए किलो है आप हमें पिलाओगे मतलब सारा कुछ ले लिया जी अभी हम जा रहे हैं घर ये टाइम ठीक होता है इस टाइम सुकून होता है भाई ना अभी जी हम आ गए घर की मन मैंने शुक्र किया आगे मैं नेटकोट बटा था आपको पता है नेटकोट बटे में कितनी गर्मी लगती तो इसलिए मैं ड्रेस नहीं पहनती इसमें गर्मी बहुत लगती सिर्फ बट्टे की वजह से पैसे ड्रेस इतने आराम था तो अभी वीडियो करते हैं पहन ली चल आपसे मुलाकात हो कल एक नई ब्लॉग के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा नहीं अभी पापा ने फिल्टर से पानी भर लिया था अस्सलाम वालेकुम मैं शुमैला वसीम कैसे है तो सुबह का टाइम है वसीम ने जाना है काम पे तो सुबह मैं बना रही हूँ वसीमा कपड़े वसीम के मैंने प्रेस करके रख रही है अभी पानी खुश हुआ है तो नंगे घी डाल के ना फिर घूमते हैं वसीम कह मैंने सालन सास लेके जाना इससे ही इतना है वसीम को जी यहाँ पे दे दिया है कीमा और साथ एक पराठा बना के दिया तो वसीम करिए नाश्ता आज जाना तो फिर किस दिन वापिस आना बुध को क्यों ना के खालना की तरफ जाना इसलिए वरना वसीम ने हफ्ते वाले दिन आना था तो इन्हें नाश्ता वसीम जी खैरियत से जा रहे हैं काम पे फिर बुध को वापस आएंगे जैफा साथ जा रहा है जैफा को दही लेके भेजना है वसीम ने और साथ चीजियां लेके आनी है उसने जैफा आप ही जॉब पे जा रहे चलें जी फोन पे फोन पे फोन बाय बाय इधर तो बैठो जैफा चलो बैठ गए जी मैं तो दरवाजे में बैठ गई हूँ जैफा का वेट कर रही हूँ सेम करते मैं दरवाजे तक छोड़ के जाऊंगा
मैंने कहा फिर हनान और बर्ता सॉरी फिर हम भी कुछ देर लेट जाएंगे जब होटल के पूरी तरह से सफाई कर ली। आज अरे चलो ले आए दही, दही नहीं मिला ये आधा किलो दही है। जैफा चलो अंदर आओ, आज पापा चले गए जो पे जल्दी आज। इतनी तेज धूप है भाई, तोपा चला मेरा बेटा लेट जो। चलो अभी जी टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है, 3:03, काफी देर हो गई, मैंने नमाज भी पढ़ लिया, बच्चे खाना छाना खाकर ट्यूशन में चले गए, मैंने नहीं खाया था, तो अभी हनान से दे मुगाते ट्यूशन जाने से पहले, तो मैंने दे की वो चटनी बनाई, मैं वेट करी थी खाला का, खाला ने तो हमारे घर की तरफ आना है तो कहती मैं आपकी तरफ भी आऊंगी, तो मैंने कहा चल खाला जी फिर इकट्ठे बैठ कर रोटी खा लेंगे, जो सुबह कीमा बनाया था, तो खाला आई नहीं, तो मैं तो भुख बर्दाश्त बाहर हो रही, तो मैं चल मैं तो रोटी खा दी फिर खाला आएगी खा लाँगे तब बना दूंगी, तो तवा फुल गर्म हो गया, तो जल्दी से रोटी बनाते हैं। मैंने कहा था मैं इसे बाजार जाऊंगी तो ना इनकी शीटर लेके आई, की माने कसम से जहन से निकल गया कि इनकी शीटर लेके आने बाजार जाके, इतनी गर्मी थी वर्दा थी बाजी के 2 बजे, हम तो कसम से पागल हो गए, तब तो टाइम निकाल के इंशाल्लाह जाऊंगी, जो हमारे घर के पास बाजार है ना यहाँ से भी मिल जाएगी तो फिर लेके आऊंगी। और लजी मेरे शहजादा भी है, अभी तो उसकी जान को सुकून नहीं आता, क्या हुआ, चलो मैं रोटी बना के ले चलो अंदर जल्दी से, एक अदर पराठा बनाते हैं, सालन गर्म करते हैं कीमे का, और रायता तो मैंने तैयार कर लिया। मैं जी गर्मा गर्म एक अदर पराठा ले गई हूँ, सार कीमे का सालन और साथ है रायता, खाना शाना खा के फिर ये जो केटो की पहाड़ियाँ ना इसको यहाँ से खत्म करना, कल खाला घर चले गए थे कहा तो काफी लेट आए, फिर हिम्मत नहीं पड़ेगी कपड़े समेट लो, तो मैंने कहा चले मैं ना खाना खा लू फिर ये सारे कपड़े समेट लू। चलो शहजादे जी मैं सिर्फ कमरे की सफाई करने में देते, शहजादा मेरा देखने जगह जगह उधर अपनी डोल है चकना बेलना पता नहीं क्या क्या चीजें फेंकी होती है, आओ शहजादे नाश्ता कराओ आ जाओ, आ मेरे शाबाश जी, हम जल्दी से करते हैं नाश्ता फिर वेट करते हैं खाला का, खाला ही फिर खाला को खाना शाना देंगे। नाश्ता जी अभी मैंने कर लिया, जल्दी से ना मैंने बाया पहना है, आपने ग्लास कैसे गिरा दिया, पानी पी रही थी, अभी मैं नाश्ता करके मैंने ना क्रिपले का मोबाइल इधर रखा, इतनी जोर से मोबाइल नीचे गिरा कि पैनल, अब मैं दुकान पे एल्फी लगवाने ना लगे तो पैनल मेरे हाथ में आ जाए, इसलिए मैंने थोड़ा ना मोबाइल ऐसे लटाया हुआ बिल्कुल सीधा करके व्लॉग नहीं बना रही, तो अभी जल्दी से चलते हैं शॉप पे, भी खाला भी नहीं आई, अगर आ भी गए तो फिर अम्मी घर चल जाएंगी, मुझे वैसे 2-4 मिनट लग रहे, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा, तो जल्दी से चलते हैं शॉप पे पूरे मोबाइल को एल्फी लगवा के लाते हैं। अभी मैं और वर्दा जा रहे, इतनी गर्मी इतनी धूप है, सुनसान गलियां गलियों में कोई भी नहीं है ना शहजादे जी, गेट लगा हुआ दरवाजा, हम पहुंच गए जी कादरी मोबाइल, इनसे लगवाते हैं एल्फी। अस्सलाम चलें जी मोबाइल ठीक करवा लिया, उन्होंने एल्फी लगा के 6 टेप लगाई, कह रहे कल या परसों, तभी हम जा रहे हैं घर है ना। मैडम को मैंने नीचे उतारा, मैं कहा मैं बेबी थोड़ा सा चल लो, बेबी बेबी आजो आजो, अब बैक कमरे कर जाओ ठीक है, सुबह का ना बड़ा गंदा हो रहा था, चलो आगे देखिए आगे देखिए आगे देखिए क्या हुआ। अभी जी मैं आ गई हूँ घर, ये देख ले ये टेप पे लगाई हुई है, 6 2 कमरे के बाद 2 दरमियान में 2 लास्ट में, तो कहते हैं कि आप भी 2-3 दिन बाद खोलना, मैं कहा ठीक है कोई मसला नहीं, मैं तो ज़्यादा आपके सामने फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाती हूँ, तो अब ये सेफ जैसे मर्जी मोबाइल करके बना, मैं यूं करके थोड़ा मोबाइल बना रही थी तो ये कैमरा नहीं। अभी टाइम हो रहा है जी 6:06, मैं काफ़ी देर की घर आई थी, आके क्लिप लेके अभी अंदर आई हूँ, अभी बाहर बनता मेरी फ्रेंड बिल्कुल मेरे पीछे ही आ गई, वो बैठ रही कितनी देर गप्पे शप्पे लगाते हैं, फिर नान और जैफा ट्यूशन से आ गए, जैफा का सो गया है ना, आने खाना शाना खाया, अभी वो गया है अम्मी घर, अम्मी गई आज खाला की तरफ, तो भाभी कह रही थी कि आप ही वो है ना आपको भेज दो, मैंने उसे ना सब्जी मंगवानी है, तो कपड़े मेरे वहीं पे पड़े हैं, अभी मैंने कहीं बर्तन पाई रखे थे तो कपड़े समेटते हैं, और मुझे कमेंट्स आया था कि आप ही आपकी हमने तो यही था कि आपकी इनकम का व्लॉग आएगा, आपको पता जब भी ये कुदरती हमें बहुत मत माना ये समय, जब भी इनकम आई है ना जब भी आई है, तो जुम्मा हफ्ता तो लाजमी भी जिम्मे आ जाता है ना, वो दिन तो चले जाते, फिर इतवार की छुट्टी आ जाती है वो भी खत्म होता है, और अभी वसीम से सुबह की मेरी बात होती है दोपहर में, तो कहते फिलहाल कोई मैसेज नहीं आया, फिर कुछ देर पहले मेरी दोबारा बात हुई है, वसीम कहते इनकम आ गया पर मेरे अकाउंट में अभी ट्रांसफर नहीं, क्या पता शाम तक हो जाने, तो कल तो पक्का आएगी, अब आपने पूछना अभी कितनी इनकम आई है, 3-4 महीनों की मिला के, ये रोजों में आई थी, रोजे के बाद अब ये 132 या $133 आए हैं,
कंफर्म नहीं, 32 इन दोनों में से एक है, 32 या 33, 100, तो उस हिसाब से बनता है 37,000 रुपया टोटल सैलरी। ये तीन पता नहीं 3.5 माह बनते हैं, मुझे मैंने हिसाब ही नहीं किया ऐसे, बस वो लोग बनाते तो कमेंट्स जेन में आया तो मैं उनका रिप्लाई कर दूँ। तो 37,000 बनता है, जिसमें से 6,000 काट लेते हैं बैंक वाले, 5,000 वो काटते हैं, एक कोई पता नहीं कोर्स छोड़ होता है उसका 1,000 रुपया करता है, वो क्या पीछे बचा 31,000 रुपया। उस 31,000 रुपये मैंने कहा था अपना मोबाइल सेल करके और पैसे डाल के आईफोन लेना, पर उसके अलावा हमारा कहीं किसी और चीज का प्रोग्राम बन रहा है। क्या बन रहा है वो मैं आपको बताऊंगी 10वीं मुहर्रम के एक दो दिन बाद, वो भी क्यों 10वीं मुहर्रम के बाद बताना है, फिर मैंने अभी शोर मचा दूं वो काम ना हो तो फिर लोग कहेंगे जिसने तो वीडियो प्ले किया था इसने तो झूठ बोला है ये वो, ये इनकम हम सेविंग रखेंगे। मुझे बहुत कमर सती आप कि आप इस पे वीडियो बनाइए करें वो करें, मैंने कहा चलो सीन मैं आपकी कोला कोट पारी लगूं बैल मैल के शेर फिर वो आते गुजारा कर लेनी है, पर ऐ काम कर लेना उससे लोग भी चेंज हो जाएंगे और बहुत मजा आएगा। क्या है वो, क्या बात है, क्या काम है वो टाइम आने पे बताऊंगी, वो जब मैंने आपको बता दिया कि अल्लाह ना करे वो काम ना हो तो फिर आप ये कहेंगे झूठ बोला, तो इसलिए मैं कहती हूँ जब होगा तभी बताएंगे। तो फिलहाल जी मैं कपड़े शपड़े अपने समेट लूँ, समेटे नहीं थे गए तभी मैं फिर इन सालों तो बनाने सुबह बना लिया था कि मैं तो अपनी वीडियो करते गए पैन। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक नए ब्लॉग के साथ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।